welcome back to my channel. This is Rakhi Singh and I'm back with another video. And आज का जो video होने वाला है, that is a wedding special video. So wedding के time पे हमें clothes का तो फिर भी ये थोड़ा बहुत idea होता ही है कि हमें क्या पहनना है, कौन से occasion में कैसा पहनना है. But हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल पड़ती है jewellery pieces select करने में. So आज का जो haul video है, that is a jewellery haul from Myntra. So I bought some amazing and super affordable jewelry pieces which you can style with your sarees, with your suits or with your any dress which is especially for your wedding special, I mean. And that's what today's video is all about. And with this haul video, I'm also going to show you how you can style your these type of jewelry pieces. I mean, kis ke saath kya pehne, saree ke saath kis tarah ke pieces achhe lagte hain ya phir suit pieces ke saath kaise achhe lagte hain. So I hope you find this video useful and you like it. And if you do, please don't forget to give my video a big fat thumbs up. Also, if you're new on my channel and love watching my videos, please don't forget to subscribe. Please do subscribe. Please let's make it 100k. That's what I always say and I'm hoping kab hoge mere 100k. Anyway, without any further ado, let's get straight into the video. And so, yep. Alright, so starting with the first jewelry piece, which is this one. So the brand is Moet Buhl. I can't pronounce it, but it's some brand from Myntra. And I bought this jewelry piece. It's a silver jewelry basically. सिर्फ यही सिंगल सिल्वर ज्वेलरी वाला है, चंगी ज्वेलरी वाला है, बाकी सारी गोल्ड टोन में है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. दिस कम्स विद इयर रिंग्स एंड दिस नेक पीस. ऑल राइट, सो दिस इज हाउ इट लुक्स. बहुत ही सुंदर सा, यूनिक सा लोटस डिजाइन का ये पीस है और बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है. यू कैन स्टाइल दिस टाइप ऑफ चंकी ज्वेलरी विद योर कॉटन कुर्तीज और विद योर कॉटन साड़ीज. फॉर्मल वेयर में कॉलेज लुक के लिए बहुत ही स्मार्ट लगता है. इवन बोहो लुक में भी ये सारी चीज़ें बहुत ही स्मार्ट लगती है. यू कैन स्टाइल इट और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है. लेट मी शो यू द इयर रिंग्स. सो ये हैं इसके इयर रिंग्स. हैं इयर रिंग्स, लुक एट दिस सेम इयर रिंग्स. वेरी वेरी ब्यूटिफुल गाइज. बहुत ही छोटा सा सेट है. सो अगर आपको चंकी ज्वेलरीज पहनना पसंद है या नहीं भी पसंद है ना, समटाइम्स दे मेक यू लुक स्टैंड आउट एंड दे बहुत अच्छा सा लुक देते हैं ये आपको हमेशा ही. सो मुझे तो खैर पर्सनली बहुत ज़्यादा पहनना चंकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं अपनी टी शर्ट्स के साथ, कुर्तीज के साथ, साड़ी के साथ, सबके साथ ज़्यादा स्टाइल करना पसंद करती हूँ. साड़ी मतलब चंकी ज्वेलरीज या कोई भी ज्वेलरी पीसेस, दे लुक वेरी ब्यूटीफुल. राइट, सो दिस इज द फर्स्ट ज्वेलरी पीस. नाउ मूविंग टू द सेकेंड वन विच इज फ्रॉम जवेरी पर्ल्स. इट्स वन ऑफ द वेरी फेमस ब्रांड ऑन अमेजोन, ऑन मिंत्रा. मतलब ये वैसे भी खुद भी वैसे बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है. मैंने शायद 1.5-2 साल पहले ज्वेलरी हॉल किया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी मेरी जवेरी पर्ल्स की थी क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल होते हैं और डिफरेंट डिजाइन होते हैं. एंड इस बार भी ज़्यादातर ज्वेलरी पीसेस मेरी जवेरी पर्ल्स की ही हैं. सो द सेकेंड वन इज दिस रेड कलर सेट. लेट मी जस्ट फर्स्ट ओपन इट. बट बिफोर दैट कैन यू लुक एट द पैकेजिंग. बहुत अच्छे से बबल रैप में पैकेजिंग करके भेजी है और वैसे भी इनकी पैकेजिंग वगैरह काफ़ी अच्छी होती है. मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा इनकी चीज़ें ट्राई की हुई हैं. So this is the second one. Let me show you. This is the next set. So this is the next set. और ये बहुत ही प्यारा रेड और पर्ल का काम है. इस पे छोटे से इयर रिंग्स हैं. सो अगर आपको बड़े वाले इयर रिंग्स पहने हैं तो आप इयर रिंग्स अलग से ले सकते हैं. बट अगर आपको ऐसे ही वाला लुक चाहिए होता है तो ये वाले इयर रिंग्स भी एकदम परफेक्ट है. वेरी प्रिटी लुक. ये नीचे पूरा पर्ल का वर्क है, ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं. एक्चुअली ये शायद फोटो में थोड़ा रेड लग रहा होगा बट ये थोड़े पिंकिश टूवर्ड्स पिंक के साइड पर है. यहाँ पे कुंदन का वर्क है. सो अगर सारी चीज़ों को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वर्क है इसमें. बट द प्राइस, आई थिंक इसका प्राइस 300 या 400 के अंडर है. सो उस प्राइस में दिस इज सुपर सुपर अमेजिंग, वेरी गुड क्वालिटी. और द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे इन्होंने पूरा एंटीक का वर्क दिया हुआ है ताकि वो बहुत ज़्यादा शाइनी ना लगे. अगर गोल्ड टोन एकदम दे देंगे तो बहुत ज़्यादा शाइनी लगेगा और बहुत लोगों को वो शाइनी वाला लुक पहनना पसंद नहीं है. सो ये एंटीक टाइप का वर्क है. लुक एट दिस. इस टाइप ऑफ ज्वेलरी पीसेस यू कैन स्टाइल विद योर साड़ीज. रिसेप्शन पे कोई भी अच्छा सा साड़ी पहनना या फिर सूट, नॉर्मल भी अगर आपका कोई ड्रेस है जो आपने बहुत बार पहन चुके हैं बट यू वॉन्ट टू गिव इट अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ लुक, स्टाइल इट विद डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी क्योंकि उससे एकदम सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लुक देता है आपको. सो दिस इज द नेक्स्ट ज्वेलरी पीस. जरूरी नहीं है कि आप इसको रेड के साथ ही स्टाइल करें, मतलब रेड का कुछ कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, कुछ होना चाहिए तभी स्टाइल करें. यू कैन स्टाइल इट विद एनी टाइप ऑफ कलर क्योंकि आजकल कॉन्ट्रास्ट का वैसे भी बहुत ज़्यादा इन है और बहुत ज़्यादा अच्छा और यूनिक भी लगता है. सो यप, दैट्स द सेकेंड वन. ऑलराइट, सो नाउ मूविंग टू द थर्ड वन विच इज अगेन फ्रॉम ज्वेलरी पर्ल्स.
and this is a very beautiful pearl set. Let me just show you guys. Look. So this is a long wala set. So आपको अच्छी खासी यहाँ पे आएगा साड़ीज तो ये वाले सेट बहुत ही स्मार्ट लगते हैं. Let me show you. Now look at this. This is so beautiful. The earring set is also very very pretty and actually दो तीन different colors में आते हैं. इसमें green भी आता है, orange भी आता है. But I love this color, so that's why I ordered this one. If you want, you can go for green. So matching का भी ले सकते हो. और भी एक दो colors होंगे, but you have to find out. Sale चल रही है इस time पे. तो ये पीसेस वैसे ही बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में. आई थिंक व्हेन आई बॉट दीज थिंग्स दीज वर लाइक समवेयर अराउंड 500-600, बट राइट नाउ दीज आर 300-400. सो दिस इज अच्छा खासा डिफरेंस ऑफ 100-200 रुपीज. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी सेट. छोटे छोटे टॉप्स हैं. ये वाला सेट ना आप जनरली अगर ऑफ वाइट कुर्तेज होता है या गोल्डन कलर का कुर्ता या फिर कोई भी एक सिंगल कलर का आप पहन रहे हो, मतलब ऑल ओवर एक कलर का आपने पहना है, उसके साथ यू जस्ट ऐड दीज कलर्स, दे लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल. आई लव दैट. एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी स्टडी, वेरी प्रिटी. इट डजेंट लुक लाइक कि आपने कोई मतलब लोकल सा कुछ वैसा पहना हुआ. फुल आप उसको लेयरिंग में भी यूज कर सकते हैं. आई मीन जस्ट वेयर समथिंग चोकर टाइप का एंड देन ऐड दिस एज अ लेयरिंग पार्ट एंड दिस लुक्स वेरी प्रिटी. So yeah, this is the third one. Fourth one is this Kundan set. I don't know which brand is this. I think it's again from Zaveri Pearls. I'm not sure. Packaging quite different, so मुझे idea नहीं लग रहा है. But this is a box type packaging, and this is how it looks. It's a very beautiful Kundan set. Look at this. Very very pretty, very sturdy, very in a fine quality. इसके इयररिंग्स भी काफी क्यूट है. मतलब अगर आपको बड़े वाले इयररिंग्स चाहिए तो यू कैन गो फॉर देम. दे लुक रियली नाइस. ये वाले भी आप साड़ी या सूट के साथ अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं. इट्स अ वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल सेट अगेन. सो अगेन इट्स अ लेयरिंग वाला सेट. सो आप इसके साथ कुंदन का अगेन कोई भी चोकर पीस या कोई भी छोटा नेक पीस ऐड कर सकते हैं. एंड देन यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ ज्वेलरी फॉर अ वेरी नाइस फंक्शन. फैमिली फंक्शन में पूरा हैवी वाला लुक के साथ यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको नॉर्मली फॉर्मल पार्टीज में या कोई भी और अदर पार्टीज के साथ भी, सूट्स के साथ या साड़ीज के साथ भी बहुत अच्छे से आप वो लुक में भी अच्छे से आप इन सब चीज़ों को स्टाइल कर सकते हो. I really love this pearl detailing. This pearl drop looks very very nice and very subtle, very pretty. Itna shiny bhi nahi hai. So just look at this. So yeah, this is the next one, guys. Now the next one is this set. Actually इसकी क्वालिटी मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई है. मैंने अभी देखा है इसको, तो ये ज़्यादा मुझे इसका डिज़ाइन भी और लेयरिंग भी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. जनरली ये कुर्तों के साथ ही आप ज़्यादातर यूज़ कर सकते हो, बट ये सिंस कॉपर टोन में आता है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है और ना ही ज़्यादा डिटेलिंग इसकी मुझे मज़ा आया देखने में. बट हो सकता है पहनने के बाद ये अच्छा लगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें नॉर्मली अगर आपने कोई भी ब्लैक कलर का कुछ पहना हुआ है या फिर वाइट कलर का कुछ पहना हुआ है तो उसके साथ ये वाली चीज़ आप कैरी कर सकते हो, बहुत ही कैजुअल लुक के लिए भी और पार्टी लुक के लिए. बोथ टाइप ऑफ लुक्स दे वर्क फॉर. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. जस्ट ट्राई इट. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक. तो आप इसे किसी भी उसके साथ स्टाइल कर सकते हैं. दो नॉट सो बैड. बट ये वाली सब छोटी छोटी सी चीज़ें ना जो बहुत ही ज़्यादा. Look at this one. This looks very local market type of a thing. So personally, मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है. एंड इसके साथ में दो earrings भी आते हैं. So वो भी बहुत very small earrings. एकदम नहीं अच्छे लग रहे हैं. So I'm not sure about this one. Do let me know in the comment section if you guys liked it or if you already having it. How you styled it? Maybe style करने के बाद ज़्यादा अच्छा लगे. So yeah, that's the next one. So the next one, which is again from Zaveri Pearls. I've already opened it. Basically, that's why it's like this. Let me show you. It's a choker neck piece. It's a very pretty choker neck piece. It has again a detailing of kundan and pearl. Basically, look at this. It's very very pretty, guys. I really love the earrings of this one. Very cute. मतलब आप इसको separately use कर सकते हो दोनों चीज़ों को इसके साथ. If you want, you can use the big earrings. And जैसा आप recently I'm already wearing a choker neck piece. This one is from Lajpat Nagar. And I bought it from local market, so there will be no link for that. But personally, these days I'm loving these type of choker neck piece with pearl detailing. So that's why I've already ordered this. This is very different. And इसके साथ में earrings नहीं है. So इसका शायद price मुझे 250 में मिला है bargaining करने के बाद. He said 380 or something. But bargaining करने के बाद it was for 250 rupees. It's very pretty again. Very pearl detailing. Very very cute. But anyway, let's talk about this one. क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल है. सो इफ़ यू कैन गो टू दीज टाइप ऑफ मार्केट्स देन डेफिनेटली यू कैन बाय दीज थिंग्स ऑनलाइन. एंड इसकी इससे ज़्यादा क्वालिटी, बहुत फाइन क्वालिटी है इसकी.
look at this, it has got these kundan detailing, then center mein ye Swarovski detailing hai, yahan pe pearls hain, and love these earrings, they look very pretty with any ring. So agar aapko kuch pura set nahi ek saath use karna hai, then you can just use them separately as well. Let me show you the earrings. Look at this, guys. Isn't it pretty? These are really, really pretty. This whole set even matching. So if you just don't want to wear these type of things, like pure aapko lagta hai ki heavy ho jayega ya nahi pehenna hai, to aap isko normally apne kurto ke sath bhi style kar sakte ho. So I'm sure it's very useful, and isko aap apni sarees ke sath use kar sakte hai separately with some big earrings or something else, whatever you like anyway. So again, very pretty set. This one and this one I personally loved. So these two you can say my favorite among all the things I have seen till now. So yep, this is the next one. And I think these earrings also going with this one. So abhi ke liye isko pehne rakhte hain. It's looking very beautiful. Anyway, this one, the last basically. So this is the last neck piece. Last ye na ye. Look at this. So इसमें ज़्यादा कुछ चमक धमक वाली डिटेलिंग नहीं है, और ये टॉप्स वाली डिटेलिंग के साथ, मतलब टॉप्स के साथ आता है, सॉरी. ये वाला नेक पीस इज वेरी प्रिटी गाइस. इसमें पूरा पर्ल है, यहाँ पे कोई स्टोन्स नहीं है, कोई कुंदन वर्क नहीं है, कोई गोल्ड टच नहीं दिया हुआ इन्होंने. सो इट्स वेरी क्लासी काइंड ऑफ एलिगेंट टाइप ऑफ अ डिज़ाइन. और यहाँ पे इसमें रेड कलर की क्रॉस किए हैं छोटे छोटे, थोड़ा सा यहाँ पे कुंदन वर्क है, रेस्ट ऑल इज वेरी सिंपल, वेरी क्यूट. सो हाईलाइट किया हुआ इन्होंने इस पार्ट को. सो ये वाला भी आप किसी भी चीज़ के साथ अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं. देन आई रियली लव दीज टॉप्स. ये वाले टॉप्स आप किसी भी चीज़ पे स्टाइल कर सकते हैं, मतलब ठीक है साड़ी वाड़ी पे, या फिर आपको हैवी लुक चाहिए होता है तो इस तरह की चीज़ें नहीं काम आती हैं ज़्यादातर. बट अगर आपको कोई भी लाइट फंक्शन है, या फिर नॉर्मली पूजा वूजा में स्टाइलिश करने के लिए, या फिर दिवाली, या फिर कोई भी फंक्शन के लिए बेसिकली, जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाना है, यू कैन डेफिनेटली एड दीज टाइप ऑफ नेक पीसेस. दे आर सुपर अफोर्डेबल एंड दे लुक गुड ऑन एवरी वन. मतलब मुझे अब तक लगता है शायद चोकर मेरे पर ज़्यादा बेटर नहीं लगते हैं, बट सिंस आई ट्राइड दिस वन आई एम सो मच लविंग इट. So I think these all choker neck pieces, this one is also very pretty. It has a different detailing, again very different. So you can use any of that. And yep, this is the last one. I totally loved it. Very, very pretty. That's all. And that's all for this video. I hope you guys enjoy watching this one. And thank you for watching, guys. And do let me know in the comment section which one is your favorite neck piece, because maine apne already bata diya. Although I loved everyone, I mean loved everything. So yep, that's it. Thank you for watching, guys. Bye.